हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये पोचू बनाना सिखाऊंगी जो मैंने 12, 13, 14 साल तक की लड़की के लिए बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को भी दबा दें। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये सिंपल चेन बना ली है प्लेन, तो हमें इसी तरह से 120 बार ये चेन बना लेनी है, 120। ये देखिए, मैंने ये 120 की चेन बना ली है और अब मैं इसको यहाँ पे आपस में जोड़ दूँगी। और अब मुझे यहाँ ये देखिए, हर चेन में से सिंगल क्रोशे लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें हर चेन में से सिंगल क्रोशिया लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना है और बहुत ही ज़्यादा ढीला भी नहीं लेना है, जैसे हम लेते हैं इसी तरह से हमें हर चेन में से चारों साइड से सिंगल क्रोशिया लेते चले जाना है। इसी तरह से ये हमने देखी राउंड कंप्लीट कर लिया। ये अब हम इसमें दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हमें यहाँ से एक ही होल में से तीन बार डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए, हम एक ही होल में से तीन बार डबल क्रोशिया ले लेंगे और हम फिर से तीन होल बीच में छोड़ देंगे और चौथे होल में से फिर से तीन बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए, हमने फिर से एक ही होल में से तीन बार डबल क्रोशिया लिया और अब हम ये यहाँ पे तीन की चेन बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मोड़ना है। और फिर वापस उसी होल में से, ये देखिए, वापस उसी होल में से हम फिर से तीन बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे मुड़ जाएगा, जो हमारा नीचे में साइड में हिस्सा आएगा। और फिर से हम तीन होल छोड़ के इसी तरह से तीन बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। हमें चारों साइड से इसी तरह से ये लेना है। ये देखिए, जैसे कि हमने ये 120 की चेन बनाई थी तो हमने ये देखिए, जहाँ मैंने ये कोने पे पकड़ा हुआ है यहाँ पे, और बिल्कुल उसी के सामने यहाँ पे हमें फिर से वही एक जगह से ये बनाना है। जैसे कि हमने इसमें दो साइड बना रखा है, हमने इसको दो हिस्से में डिवाइड किया है, जैसे 60 एक तरफ और 60 चेन एक तरफ, और बीच में ये देखिए यहाँ पे ये एक ही होल में से दो बार लिया हुआ है। इसी तरह से बिल्कुल इसी के सामने हमने यहाँ से एक ही में से दो बार लिया हुआ है। बाकी हमें बीच में कहीं नहीं बढ़ाना है, हमें यहीं से ये बीच में से करते चले जाना है। और इसी तरह से हमें ये पूरा पोंचू बना लेना है। ये देखिए, हमें आगे कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है ये, और फिर से ये हमारा यहाँ पे बीच में कोना आ गया है, तो हम यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, हमने तीन बार यहाँ से डबल क्रोशिया ले लिया। अब हम फिर से तीन की चेन बनाएंगे और फिर वापस यहीं से तीन बार फिर से डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए, हमने फिर से तीन बार डबल क्रोशिया ले लिया। अब हम बीच में कोई चेन नहीं बनानी है और यहाँ से तीन बार डबल क्रोशिया।
हमें इसी तरह से पूरा पोंचो कंप्लीट कर लेना है। आप जो भी कलर लगाएं वो कलर जॉइंट कर लें बीच में इसमें, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे ये कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, बस इनमें ध्यान रखना है, और बीच में हमें यहाँ पे ये देखिए कहीं पे भी नहीं बढ़ाना है। और ये हमारा जो शेप है इसी तरह से आता चला जाएगा पूरे पोंचू का। आप कोई छोटा बना रहे हैं तो उसमें ऊपर से कम चेन डालें, और बड़ा बना रहे हैं तो ज़्यादा चेन डाल लें। बाकी हमें इसी तरह से जितना बड़ा बनाना है ऐसे ही बनाते चले जाएं, और ये हमारा पूरा पोंचो बन करके कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।